हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम घर पे होममेड सैनिटाइजर बनाकर तैयार करेंगे। ये बिल्कुल 100% नेचुरल होगा और बिना खर्च के हम ये सैनिटाइजर घर पे बना सकते हैं। ये बाबा रामदेव द्वारा बताई गई विधि से हम बना रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का सैनिटाइजर हम बाबा रामदेव की विधि द्वारा तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही लाभकारी होगा। नीम, तुलसी, कपूर और फटकरी से बनाकर तैयार करेंगे। आओ इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीम लेंगे। नीम हमें हमारे घर के आसपास ही मिल जाती है। इसके हम पत्तियां तोड़ लेंगे। हम इस तरह पत्तियों को खींच लेंगे। नीम की पत्तियां हमें 100 ग्राम चाहिए। ये 100 ग्राम के करीब हमने नीम की पत्तियां ले ली हैं। ये हमने तुलसी ली है जो कि हमारे घर में ही लगी हुई थी। तुलसी हमें 25 ग्राम चाहिए। इसकी भी हम पत्तियां तोड़ लेंगे। नीम और तुलसी की पत्तियां हमने तोड़ ली हैं। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। नीम और तुलसी की पत्तियों को हमने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। ये हमने 1 लीटर पानी लिया है और इसको हम बड़े बर्तन में डाल देते हैं। अब इसको गैस पे रख देंगे। थोड़ा गर्म होने तक हम इसमें पत्तियां डालेंगे। पानी गर्म होने लगा है और इसमें हम नीम की पत्तियाँ डाल देंगे और अब हम तुलसी की पत्तियाँ भी डाल देंगे। इसको अब हम बॉईल होने देंगे। हमारा 1 लीटर पानी जब 600-700 ग्राम रह जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। तब तक हम इसको उबालेंगे। ये हमने कपूर लिया है। ये हमने 10 रुपए का लिया है। इसको हम पीस लेंगे। कपूर हमने पीस लिया है। इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये हमने फिटकड़ी ली है। ये भी हमने 10 रुपए की ली है। इसको भी हम पीस लेंगे। पानी बॉईल हो चुका है। हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम पानी को छान लेंगे। पानी को हमने छान लिया है। अब हम इसमें कपूर और फटकरी जो हमने पीसी थी वो इसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें झाग बन रही है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम अब 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे क्योंकि कपूर उड़ जाता है। कपूर का सारा असर पानी में आ जाएगा। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। सैनिटाइजर हमारा बन गया है और ये ठंडा हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो गया है और इसका नेचुरल कलर आ गया है। अब हम इसको खाली बोतलों में भर लेंगे। ये हमने 2 खाली बोतल ली है। इसमें हम सैनिटाइजर को भर लेंगे। ये हमारा होममेड नेचुरल सैनिटाइजर बनकर तैयार है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ बूंदे हम इसके हाथ पे डालेंगे।
और इसकी स्मेल भी अच्छी आ रही है। इस तरह से आप भी घर पर नेचुरल सैनिटाइजर बना सकते हैं। इस तरह हम एक छोटी बोतल को अपने साथ भी कहीं बाहर लेके जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।